दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय इविंग्स अकेडमी धर्मशाला। कोरोना वायरस का खौफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, हालांकि इसके चलते अब लोग भी सतर्क हो गए हैं। हल्की खांसी और जुकाम पर भी लोग एहतियात बरतते हुए अपने नौनिहालों को अस्पताल पहुंचाने लगे हैं। यही वजह है कि अब क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला में बच्चों की ओपीडी में भी हर दिन इजाफा हो रहा है। पहले लोग इसे हल्के से ले रहे थे और डर नहीं था, लेकिन अब जिस तरह स्कूलों कॉलेजों में छुट्टियां कर दी गई हैं, सारे बड़े कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। पर्यटन नगरी धर्मशाला में तिब्बतन समुदाय के लोग ज्यादा होने के चलते भी लोग हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। कोरोना के खौफ के बीच क्या है धर्मशाला हॉस्पिटल के हालात और कितने अलर्ट हैं लोग व अस्पताल प्रशासन, पवन कुमार शर्मा के साथ देखिए यह खास रिपोर्ट। रोल है। हम लोग इस समय जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला में हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ कोरोना वायरस को लेकर लोग कितने अलर्ट हैं। आप देख सकते हैं मास्क पहनकर और बकायदा पूरी एहतियात जो है वो हर कोई बरत रहा है। छोटे बच्चों को दिखाने से लेकर बड़ों तक, बुजुर्गों तक, हर व्यक्ति जो है वो सरकार जिस तरह से जागरूक कर रही है उस तरह से लोग भी पूरी तरह से जागरूक हैं। यहाँ पहुँचे लोगों से हम बातचीत भी करेंगे और जानना चाहेंगे कितने अलर्ट हैं और जो जन औषधि केंद्र है वहाँ पर भी पूरी किस तरह के प्रयास है वो किए जा रहे हैं। जी, आप हॉस्पिटल आए हुए हैं, कितने अलर्ट हैं जी जो कोरोना वायरस की बात की जा रही है इस बात पर? काफी अलर्ट है क्योंकि छोटे बच्चों को देखे मास्क पहना रहे हैं, स्कूल में भी हम सैनिटाइजर दे रहे हैं, खुद भी थोड़ा सेफ्टी कर रहे हैं क्योंकि खांसते समय खांस रहे हैं, बच्चों को भी बोल रहे हैं। हम चाहते हैं कि सभी अलर्ट रहे इस मामले में क्योंकि आगे आगे हिमाचल में भी फैल रहा है, दिल्ली में तो बहुत हो चुका है, तो हमें डर है कि हमारे यहाँ भी ज़्यादा ना हो जाए। तो आप आज हॉस्पिटल आए हुए हैं, क्या बेटी को थोड़ा सा जुकाम खांसी था, थोड़ा सा पेन था, तो इसलिए हम लोग लेके आई थी। तो बच्चों को छोटी प्रॉब्लम भी हो तो भी दिखाने के लिए बकायदा जो है वो हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं। आप लोग स्कूलों और जो शैक्षणिक संस्थान है उसमें किस तरह से एहतियात बरत रहे हैं बच्चों? हम लोग हैंड वॉश कर रहे हैं मतलब अच्छे से, हम लोग सोप पेपर एंड फिर सैनिटाइजर्स मास्क और फिर मतलब किसी से हाथ वगैरह नहीं मिला रहे हैं, तो मतलब थोड़ा वो कर रहे हैं कि हम लोग किसी के साथ हाथ ना मिलाए, किसी से गले वगैरह ना मिले कि इन्फेक्शन और वायरस फैल ना जाए। तो आपने देखा कि हर कोई जो है वो एहतियात बरत रहा है ताकि वायरस जो है वो ना फैले, इस तरह की कोई समस्या ना हो, और हाथ मिलाने से बच्चे जो है वो परहेज कर रहे हैं, जितनी एहतियात जो है वो बताई जा रही है उतनी एहतियात जो है वो बरती जा रही है। हम देख सकते हैं कि यहाँ हर कोई जो है वो हॉस्पिटल में जो भी पहुँच रहा है वो मास्क पहन के बाकायदा पूरी एहतियात बरत रहा है। आपने मास्क पहना हुआ है, इसलिए पहनाओ कितनी एहतियात बरत रहे हैं? मास्क पहना हुआ है, किस बात को लेकर पहना हुआ? अच्छा, बीमार हैं और बता रहे हैं कि पूरी एहतियात जो है वो बरत रहे हैं, क्या कारण है, कितनी एहतियात बरत रहे हैं? ठीक है, हर कोई यहाँ पूरी तरह से नन्हे बच्चों को भी जो छोटी समस्या हो रही है उनको दिखाने के लिए भी यहाँ लगातार जो है वो लोग पहुँच रहे हैं। धर्मशाला की बात करूँ तो यहाँ तो अभी इतना कोरोना का नहीं, बट बाकी से ऊना की बात करूँ बहुत तो काफ़ी हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, बट फिर भी मैं लोगों को ये बोलूँगा कि थोड़ा सा फिर भी ख्याल रखें, ध्यान रखें अपने आप को, थोड़ा पोशाक वगैरह डाल लें तो उससे अच्छा रहेगा, और खांसी वगैरह बच्चों का वायरल हो रहा है। देखा कि बच्चों का जो वायरल है उससे बचने के लिए हर व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है, खासकर बच्चों की छोटी मोटी प्रॉब्लम भी हो रही है, तो हम इस टाइम जो बच्चों की ओपीडी के बाहर हैं, यहाँ जो है वो पूरी एहतियात बरती जा रही है, बच्चों को लेकर जो है वो लगातार मरीजों का चेकअप हो रहा है। हम डॉक्टर चेक करें यहाँ तो हम देख सकते हैं हम अभी बच्चों की ओपीडी में हैं और बच्चों को लेकर लोग खासे अलर्ट हैं, खासी एहतियात बरती जा रही है। हम यहाँ ओपीडी में हैं बच्चों की, और हम डॉक्टर साहब से भी जानेंगे कि लगभग कितने मरीज जो है वो डेली आ रहे हैं, क्या पहले की अपेक्षा बढ़ोतरी हुई है। जी डॉक्टर साहब, बच्चों के जो बच्चे जो दिखाने के लिए आ रहे हैं वो कितने लोग आ रहे हैं? आजकल काफी मतलब रश बढ़ गया है, थोड़ा सा कई बार मौसम की वजह से थोड़ा सा चेंज हो जो मौसम हो उसमें भी उसके कारण भी बढ़ा है। लोग कितने अलर्ट हैं जी, खासकर बच्चों को जो छोटे छोटे प्रॉब्लम जो हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं वो
अधिकतर वही जुकाम खांसी वाले ही आ रहे हैं। थोड़ा भी बुखार हो रहा है तो लोगों को कोरोना का डर तो है ही है, तो इसलिए फिर जरा सी बच्चा थोड़ा सा भी कोल्ड हो जाए तो चले आ रहे हैं कि वही कहीं कोरोना ना हो। तो आप भी बुल कर रहे होंगे? वो तो हम चेक कर रहे हैं, थोड़ी उनकी काउंसलिंग भी कर रहे हैं, इतनी कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है, पर ये कि हाँ सावधानी तो बरतनी है, यही हम सबको ये बता रहे हैं कि इससे थोड़ा सा जो भी इसके प्रिकॉशंस हैं वो ध्यान दें, हाथ की साफ सफाई हर चीज का, ज्यादा खांसना छींकना, क्राउडेड प्लेस में सबसे बड़ी बात है कि भीड़ भाड़ वाली जगह ना जाए, ये सब समझा भी रहे हैं, पेशेंट भी देख रहे हैं, साथ ही साथ थोड़ा बता भी रहे हैं। जी धन्यवाद। कि जो मेडिकल स्टाफ है वो पूरी तरह से अलर्ट है और आप देख भी सकते हैं, हम बच्चों की ओपीडी में हैं, यहाँ बच्चों को लेकर हल्की सी भी कोई प्रॉब्लम है तो लोग पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो बच्चों को दिखाने आए हैं वो हाथों में सैनिटाइजर से लेकर मास्क पहनने की बात हो चाहे रुमाल लेने की बात हो, पूरी एहतियात जो है वो बरती जा रही है ताकि किसी भी तरह का कोई खतरा ना हो। डॉक्टर साहब ने भी बताया कि पूरा यहाँ आने पर बच्चों को और उनके पेरेंट्स को भी पूरी काउंसलिंग कर रहे हैं कि किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों से बचने की आवश्यकता है। और आप देख सकते हैं कि हर वर्ग जो है वो अपने बच्चों को लेकर सुबह से यहाँ लाइन लग रही है, हालांकि आज छुट्टी सेकंड सर्जरी का दिन है लेकिन उसके बावजूद भी मरीजों की जो कमी है वो बिल्कुल नहीं है। कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ पवन शर्मा, दिव्य हिमाचल, धर्मशाला। हेलो एवरीवन, myself to be Dr. Shivangi Rangra and very soon I'll be a bachelor in dental surgery and for my this success I want to owe a huge thanks to the Earrings Academy located at Chamunda, Dharamshala in Palampur and its chairman Mr. Gulshan Verma who is an icon of integrity and hard work as well as a great philanthropist. He and his team guided me to the right path and place I never thought I would be. Thank you, sir, for sticking up to me and letting me and showing me how to stick up to myself. And Earrings is a place which not only educate you, but also groom your personality. Earrings is a place which really gives you wings to fly fearlessly to your goal. Thank you.